एक ओर जहां बाइक रेडी चालक उन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब दूसरी ओर टेम्पो यूनियन से जुड़े सदस्य बाइक रेडी को बंद करवाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। टेम्पो यूनियन से जुड़े सदस्यों की मांग है कि या तो बाइक रेडी को बंद करवाया जाए या फिर उनसे भी उसी प्रकार सरकार टैक्स की वसूली करे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो जाता, तब तक टेम्पो यूनियन से जुड़े सदस्य इसी प्रकार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये जो मोटरसाइकिलों के पीछे रेडियां बनवाई हुई हैं जी, ये गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं रादौर के अंदर। हम टेम्पो यूनियन रादौर की तरफ से आए हैं। जो हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारा 35,000 रुपये खर्चा आता है साल का, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं। कुछ दिनों से रादौर के अंदर जो ये मोटरसाइकिलों के पीछे रेडियां बनवा रखी हैं, ये गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं, इनके कारण हमारा जो काम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ना तो हम सरकार को टैक्स दे पाएंगे, ना गाड़ी का इंश्योरेंस करा पाएंगे, ना ही गाड़ी जो हमने फाइनेंस पे लिया है उसकी किस्तें हम दे पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इनको पूर्ण रूप से इन पर पाबंदी लगाई जाए। अगर पाबंदी नहीं लगाते तो इनको लीगल रूप से चलाया जाए, इनसे भी टैक्स वसूला जाए। हम ये नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी समाप्त हो। हाँ जी, SHO साहब ने हमारे से मुनादी भी करवाई, पर SHO साहब ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं कि जब तक मजिस्ट्रेट जज मेरे को परमिशन नहीं देंगे मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। तो आपका धरना कब तक जारी रहेगा? धरना तब तक जारी रहेगा तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।